गुरुजी सनातन धर्म में तो आश्रम व्यवस्था थी, 25 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करना होता था, फिर 25 वर्ष के बाद विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश करना है। ये बाल विवाह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? देखो भैया, एक चीज समझो, हमारे यहाँ सारी चीजें बहुत अच्छे से नियम से चल रही थी, लेकिन इतने में इस्लामिक आक्रांता आ गए। इस्लामिक, ठीक है, जब वे आए तब तक हमारे यहाँ विवाह मंदिरों में हुआ करते थे। आज भी दक्षिण भारत में जो विवाह है वो मंदिरों में ही होते हैं, चाहे कोई कितना ही धनपति हो, विवाह मंदिर में ही होगा। तो जब इस्लामिक आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ के वैभव को देखा, यहाँ की चीजों को देखा, तो जब आदमी विवाह करेगा तो जाहिर सी बात है धन ऐश्वर्य कुछ करता ही है। तो ऐसी स्थिति में उन आक्रांताओं ने सबसे पहला काम किया, हरण कर लेना, युवतियों को उठा लेना, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिस करके उत्तर और इस क्षेत्र के भारत में, क्योंकि दक्षिण में तो वो पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए दक्षिण बच गया। तो उन्होंने क्या किया, मंदिरों को भी तोड़ा, और साथ में जो विवाह हमारे यहाँ गोधूली बेला में या सुबह की बेला में होते थे, उनको उस रिवाज को भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय में वो लोग पकड़ कर लेते। तो लोगों ने उनसे बचने के लिए रात्रि में विवाह आरंभ करे। अब रात्रि में विवाह भी इतने आसान न थे, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो धीमे धीमे ये व्यवस्थाएं आई, बोला बच्ची बड़ी होगी, बच्चा बड़ा होगा, विवाह होगा, और फिर कोई डकैती कोई डाका हो जाए, उससे अच्छा विवाह को छोटेपन में कर दिया जाए। लेकिन विवाह छोटेपन में जरूर होता था, लेकिन विदा, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं गौना, जैसे आज विवाह हुआ सुबह विदा हो जाती है, मगर जब उस समय बाल विवाह होता था तो विदा नहीं होती थी, गौना होता था। कब होता था, जब लड़की उस अवस्था से बड़ी हो जाती थी। इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अब वो भी क्यों करते थे, क्योंकि दिखावा भी नहीं होगा, जान भी बच जाएगी और किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां तब पैदा हुई जब इस तरह की स्थिति आई, लोगों को अपने आप को बचाना था, तब ये सब कुरूतियां आरंभ हो गई। धन्यवाद।